अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। मेरठ में सांधे अखबार की बेहद कमी पाते हुए आज शारदा ग्रुप ने शारदा एक्सप्रेस नामक सांधेकालीन अखबार की शुरुआत कर दी। अखबार का विधिवत लोकार्पण यूपी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने किया है। इस मौके पर डिप्टी चीफ केशव प्रसाद ने कहा कि अखबार की अपनी विश्वसनीयता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में शारदा एक्सप्रेस विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरते हुए जनमानस की अपेक्षा पूरी करेगा। समारोह का आयोजन आज दोपहर अलकनंदा वेंकट हॉल में शारदा ग्रुप द्वारा किया गया था। ग्रुप के MD सुमित गर्ग, अमित गर्ग, डॉक्टर अंकित गर्ग व अदित गर्ग आदि निदेशक ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। अखबार के संपादक ज्ञान प्रकाश व समाचार संपादक अनुज मित्तल को बनाया गया है। दोनों ही पत्रकारिता जगत का अच्छा खासा अनुभव लिए हुए हैं। देखिए समारोह की झलक। नवीन चौधरी जी से भैया भैया सब महिला अच्छा महिला मोर्चा धन्यवाद। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य ने समारोह को संबोधित करते हुए यह कहा। शारदा मीडिया हाउस के नाम से जो सांध दैनिक शारदा एक्सप्रेस के नाम से शुभारंभ किया गया है, सबसे पहले तो मैं इसके लिए पूरे शारदा मीडिया हाउस ग्रुप परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और यह मीडिया हाउस जो समाज अपेक्षा करता है उसके हिसाब से अपने कार्य करने में सफल होगा, आगे बढ़ेगा, ऐसी शुभकामनाएं भी देता हूँ। सरकार की ओर से भी देता हूँ, प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से भी देता हूँ। और आज मुझे इस कार्यक्रम में आपने आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय से धन्यवाद भी देता हूँ। हमारे शारदा मीडिया हाउस के MD गण श्रीमान राम गोपाल गर्ग जी, श्रीमान सुमित गर्ग जी, श्री अमित गर्ग जी, श्री अंकित गर्ग जी, श्री आदित्य गर्ग जी, और यहाँ एक संत के रूप में जो नगली तीर्थ आप सब मेरठवासी जानते हैं, देशवासी जानते हैं, वो महाराज जी हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करते हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी जो क्षेत्र इकाई है उसके सम्मानित अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, हमारे महानगर और जिले के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जैन जी और श्री शिव कुमार राणा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और यहाँ के लोकप्रिय सांसद, और जिन्हें मैं अपने बड़े भाई की तरह सम्मान करता हूँ। यहाँ निश्चित तौर से बहुत आजकल आवश्यक हो गया है, यद्यपि जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से कई बार लोगों को लगता है कि अगर प्रिंट मीडिया कुछ देर में आएगा तो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मिल जाएगी खबर, लेकिन पेट तभी भरता है जब वह चाहे सुबह का अखबार हो चाहे सायंकाल का अखबार हो जब पढ़ लेता है, और सांध दैनिक बहुत कम संख्या में। मेरठ का विकास इतना आदरणीय राजेंद्र जी ने करा दिया है कि यह दिल्ली का दूसरा हिस्सा बन गया है, जैसे उधर गुड़गांव वैसे नोएडा वैसे मेरठ हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में यह जो शारदा एक्सप्रेस के नाम से सांध दैनिक आपने निकाला है, जिसका प्रिंट भी मैं देख रहा हूँ कलर प्रिंट है, और ऐसा कलर प्रिंट निकालना यह भी बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि समाज की जो समस्याएं वह शारदा एक्सप्रेस के माध्यम से उजागर की जाएंगी, और सरकार की ओर से हम आपको आश्वस्त जरूर करना चाहते हैं जो समाज की अपेक्षा है कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करे, तो डबल इंजन की सरकार देश में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में,
और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप सब इस बात को महसूस कर रहे होंगे, 2014 से देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, तो देश का चित्र बदला है, देश की दुनिया में छवि बदली है और देश का मान सम्मान बढ़ा है। और 2017 से जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से अगर लगातार आप देखें तो सब कुछ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। आम आदमी को यह लगता है कि आज हम सुरक्षित हैं। 40 लाख करोड़ से अधिक के निवेश के प्रस्ताव कर उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो यह भय मुक्त वातावरण का ही परिणाम है। गरीबी मुक्त भारत बनाने का संकल्प लेकर के, गरीबी हटाओ का केवल नारा होता था पहले, लेकिन गरीबी हटा करके 25 करोड़ लोगों को देश में गरीबी से बाहर निकालने का काम किसी ने किया तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार ने किया। मैं आज मुझे विशेष तौर से डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, जो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, झारखंड के प्रभारी हैं, हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद हैं, और उन्हीं के माध्यम से मेरी बात हुई थी कि आना है, आप आ रहे हैं। मेरा पार्टी का कार्यक्रम था व्यापार प्रकोष्ठ का, तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा, लेकिन ये अच्छा है कि एक ये मीडिया के चौथे स्तंभ को के एक बड़े प्लेटफार्म की शुरुआत हो रही है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी शारदा एक्सप्रेस परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबको है, और जब भी जरूरत पड़ेगी हम लोग आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जो अच्छी से अच्छी चीजें उससे बढ़िया से बढ़िया ढंग से उजागर करें। अब यह समस्या नहीं कि मेरठ में बिजली आती रही है, बल्कि अब मेरठ से बिजली जाती नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश से बिजली जाती नहीं है। ये अंतर पहले और अब में आया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।